बॉलीवुड में इन दिनों इंडियन कल्चर वीक की धूम देखने को मिल रही है, जहां फिल्मी जगत के कई सितारों ने अब तक इस रैंप पर वॉक कर लिया है। ये शो दिल्ली में आयोजित किया गया है, ऐसे में अब इस रैंप वॉक पर एक और सितारे ने अपनी मौजूदगी से स्टेज पर आग लगा दी है। दरअसल ये फिल्मी सितारे कोई और नहीं बल्कि सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर है, जिन्होंने एक साथ अपने रैंप वॉक से महफिल में जान डाल दी है। दरअसल सोमवार को आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान फेमस डिजाइनर शांतनु और निखिल के लिए शो टॉपर बने। इस दौरान दोनों का एथनिक लुक देखने को मिला। वहीं सोशल मीडिया पर दोनों की फोटोज और वीडियो अब जमकर वायरल हो रही है। सारा के लुक की बात करें तो उन्होंने पीच और सिल्वर कलर का लहंगा पहना था, उनके ब्लाउज के साथ एक केप भी अटैच थी। वहीं आदित्य रॉय कपूर की बात की जाए तो उन्होंने बीच कलर की शेरवानी और क्रीम पैंट पहनी हुई थी। वहीं रैंप वॉक के दौरान दोनों ने कई सिजलिंग पोज देते हुए भी दिखाई दिए हैं। वहीं अब दोनों को एक साथ देखकर फैंस जमकर अपना रिएक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां एक यूजर ने कमेंट कर लिखा है कि ये लोग एक साथ ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, प्लीज कोई अनन्या पांडे को रिप्लेस कर दो। वहीं एक यूजर ने कमेंट कर लिखा है कि हे भगवान, ये जोड़ी तो जबरदस्त हिट और हॉट है। वहीं एक यूजर ने तो कमेंट कर ये तक लिख दिया है कि तमाम अफवाहों के बाद मैं अनन्या और आदित्य को एक साथ रैंप पर चलते देखना चाहता हूं। इसके अलावा कई यूजर्स ने सारा को ट्रोल भी किया है। वॉक के दौरान सारा के एक्सप्रेशन लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो ट्रोल हो रही है। जहां एक यूजर ने कमेंट किया है कि सारा रैंप वॉक करते हुए इतना ओवर क्यों कर रही है, तो वहीं एक ने लिखा है कि सारा का 50 रुपए ओवर एक्टिंग का काट लो। बता दें कि ये दोनों स्टार्स एक साथ फिल्म मेट्रो इन दिनों में नजर आने वाले हैं। लेकिन इन सबसे हटकर आपको इन दोनों का रैंप वॉक कैसा लगा और ये साथ में ये दोनों पेयर कैसे लग रहे हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल अभी की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब की केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।